तो आपने देखा होगा बोलती गुफा, है ना। तो जैसे मैंने हिंदी की उस पार्ट्स रिलेटेड पहले मैंने वीडियो क्रिएट कर दिया, फिर मैंने अपने बच्चे को पहले उस वीडियो को भेज दिया और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस मैंने उन्हें सेंड किया। तो आप समझ सकते होंगे कि उस मोनाटनस चीज से जैसे बच्चा उस उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा सर, अगर मैं उससे कहती हूँ कि आप इसको पढ़ो। लेकिन हाँ, अगर वो एनिमेटेड वीडियो देख रहा है उस अपने कंटेंट से रिलेटेड, उस लेसन से रिलेटेड, और उसके बाद मैं उसको क्वेश्चंस आंसर्स लिखने के लिए कह रही हूँ या फाइंड आउट करने के लिए कह रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। नमस्कार साथियों, डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्या आप ये जानने के इच्छुक हैं कि 21वीं सदी की दक्षताएं बच्चों में कैसे विकसित की जा सकती हैं? तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीमा जी मौर्या, जो इस सवाल को समझने में हमारी मदद करेंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से 21st सेंचुरी की स्किल को बच्चों की तरफ लेके आए। नमस्ते मैम, डिजिटल टीचर की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, और आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इसके लिए, पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका और आपकी टीम का। और इसके बाद मैं अपना इंट्रो देना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा नाम सीमा मौर्या है और मैं कंपोजिट स्कूल रेती हाता जरवल बहराइच में कार्यरत हूँ। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से बच्चे मेरे आगे हों और उनका जो क्वालिटी स्तर है वो सुधरे। थैंक यू सीमा जी, हमने आपके बारे में सुना है कि आपने टेक्नोलॉजी को लेके भी काफी कुछ काम किया है शिक्षा में गुणवत्ता के लिए। तो आप अलग अलग तरीके से कंटेंट भी क्रिएट कर रही हैं, खास करके प्राइमरी बच्चों के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करती हैं और वो क्लासरूम में किस तरीके से ट्रांजिट होता है, बच्चों के साथ किस तरीके से जाता है, और उस कंटेंट से बच्चों के सीखने में क्या असर दिख रहा है आपको? मैं ये बताना चाहूंगी, जैसा आप देख रहे हैं पहले तो हम लोग इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे थे, आती थी लेकिन इतना ज्यादा हमारा इस्तेमाल नहीं था। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा, जब ये कोविड जैसी बड़ी महामारी हम लोग के बीच आई, तो जिससे हम लोग ने देखा हमारे बच्चों के जो स्टडीज थी वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चों की जो स्टडीज है वो कंटिन्यू रहे, वो ब्रेकडाउन ना हो। हाँ, ये हम मान सकते हैं कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं हर चीज के, लेकिन अगर हम पॉजिटिवली इस चीज को देखें तो शुरू में मैंने क्या किया कि बच्चों के लिए वर्कशीट्स बनाना क्रिएट करना शुरू किया, कलरफुल वर्कशीट्स, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से और कुछ प्रिंट आउट के माध्यम से भी उन्हें उनके घर तक पहुंचाया, क्योंकि सभी बच्चों के पास आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि एंड्रॉयड फोन होगा। तो कुछ बच्चों को जैसे हमने एंड्रॉयड फोन जिनके पास है उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश की, और कुछ बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं था उनको मैंने वो वर्कशीट को प्रिंट आउट निकाल के उन तक पहुंचाने की कोशिश की। शुरुआती दौर में ऐसे ही काम किया, उसके बाद देखा कि बच्चों के लिए थोड़ा ये मोनोटोनस हो जाता है कि आप डेली उन्हें वर्कशीट दे रहे हो, डेली आप वर्कशीट दे रहे हो, एक पैटर्न पे काम कर रहे हो। तो उसको थोड़ा चेंज करने के लिए फिर मैंने सोचा कुछ और इंटरेस्टिंग इनके लिए बनाया जाए। तो आई वॉज लाइक कि सोचा, बहुत सोचा क्या किया जाए, यूट्यूब पे बहुत कुछ सर्च किया। तो मैंने फिर उसके बाद सोचा कि एनिमेटेड क्रिएटेड, जैसे उनके लिए एनिमेशन बहुत ही एक कहते हैं ना एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बच्चों को अगर आप वर्बली कुछ समझा रहे हैं या ऐसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं उतना नहीं समझ में आता है, और जितना आप उन्हें कोई कार्टून मूवी दिखा के या कुछ ऐसी कोई पिक्चराइजेशन दिखा के उन्हें कोई टॉपिक समझाना चाहें तो उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। तो उसको ध्यान रखते हुए मैंने एनिमेशंस में कह लीजिए अपना अपना हुनर कहने का मतलब है कि मैंने उसको सीखने की कोशिश की कि मैं कैसे उसको और बेहतर तरीके से सीख पाऊँ। और बहुत करते करते बहुत हद तक मैंने आपको वीडियो शेयर की है, आप देखेंगे बहुत हद तक बहुत ही क्वालिटी वाली वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें बच्चा बहुत ही आसानी से समझ पाता है। और एक ये होता है ना कि वो कहने का मतलब ये भी है कि हम अगर ये बात कहें कि बच्चा आप बहुत सारे कंटेंट आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, लेकिन जब हम किसी कंटेंट की बात करते हैं तो एप्ट कंटेंट, लैंग्वेज की कंटेंट, कहने का मतलब आपका कंटेंट एक एप्ट उस टॉपिक से कितना आपको कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट होना चाहिए, और प्लस आपकी वॉइस, है ना, कि आपका बच्चा आपका वो लैंग्वेज को समझ रहा हो। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि जो हम कस्टमाइज वीडियोस बना रहे हैं, एनिमेशंस बना रहे हैं, वो बेस्ट है मेरे बच्चों के लिए। तो उसको देखते हुए मैंने अपने आप को बहुत इस चीज में काफी सर मेहनत की। कोविड के टाइम पे हमें काफी समय मिला, मैंने काफी सारे एप्स ट्राई किए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ट्राई किए, कोशिश किया कि मैं उसे अपने फिंगर टिप्स पे रह के वो एनिमेशंस वीडियोस क्रिएट कर पाऊँ अपने बच्चों के लिए।
तो मेरी जो स्पेशलिटी है ट्विन क्राफ्ट है। मैं ज्यादातर जो एनिमेशंस करती हूँ वही ट्विन क्राफ्ट पे करती हूँ। काइन मास्टर पे भी कर लेती हूँ काफी कुछ, लेकिन मुझे लगता है ट्विन क्राफ्ट में जो मेरी अपनी स्पेशलिटी अगर कही जाए तो ट्विन क्राफ्ट मेरा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। बिल्कुल मैम, और खास करके प्राइमरी कक्षा में अगर देखा जाए तो जो आप कह रहे हैं ना कि जो वर्कशीट की शुरुआत हुई थी और वर्कशीट में जो कलर वाली बातचीत है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो वो ही एक तरीके का कंटेंट अपन को देखने को मिलता है, और जो पिक्चराइजेशन है एंड कलरफुलनेस जो है वो प्राइमरी कक्षा में तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि उनकी अवधारणाएं तो वहीं से शुरू होती है। किसी भी विजुअल के बगैर हम किसी भी शब्द के बारे में समझा रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो थॉट है खास करके चाइल्ड पेडागोजी को समझना और उसके अकॉर्डिंग फिर इंटरवेंशन प्लान करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा कि आपने बोला कि बच्चों के स्तर के अनुसार और कंटेंट को मॉडिफाई करके और उनसे रिलेटेड कंटेंट तैयार करना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि जैसे बहुत सारा कंटेंट है ओपन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे देख लो, कहीं भी देख लो, लेकिन उसकी रिलीवेंसी कितनी है बच्चे के लिए वो भी ढूंढना बहुत जरूरी है। तो मैम, ये जो लॉकडाउन में आपने कामकाज किया है, ये अभी इसका इम्पेक्ट किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि ऐसे भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लेकिन आप तो उन बच्चों के साथ जुड़े हैं जिनके पास मोबाइल फोन है, तो हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है डिजिटल कंटेंट को लेके। सर, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में हमने वर्कशीट्स पे काम किया, क्योंकि जब बच्चों के लिए जब कुछ नया होता है ना सर, तो उसमें वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन एक टाइम टाइम पीरियड के बाद क्या होता है ना, वो उससे थोड़ा बोर होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ नया चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए। तो इस वजह से जैसे स्टार्टिंग में हमने वर्कशीट्स पे काम किया, उसके बाद बीच में कुछ हैंडमेड वर्कशीट्स पे भी काम किए है ना, खुद की हैंड राइटिंग में भी। तो उसके बाद फिर एनिमेशंस पे जैसे हम आए, तो एनिमेशंस मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होता है कि बच्चों को आप आज दिखा रहे हैं कार्टून्स और कल दिखाएंगे तो पसंद नहीं आएगा। एनिमेशन एक ऐसी चीज है, इटर्नल है सर, ये हमेशा सतत हमेशा ही नहीं अच्छा लगेगा, आप उसको कुछ भी दिखाएंगे। और अभी करंट टाइम की अगर आप बात की जाए, तो जैसे स्कूल्स पे हम अभी बच्चे वैसे भी बहुत कम ही आ रहे हैं, तो अभी भी वही व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को पहुंचा रहे हैं, अपने जो कंटेंट है वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही पहुंचा रहे हैं। और अभी फिलहाल कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसी चीजें और क्रिएट करूँ, मेरा अपना जो विजन है आगे काम करने का लेकर उसको, कि कुछ चीजें और क्रिएट करूँ जिससे मेरे बच्चों का कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता रहे। कोविड के टाइम को लेकर के देख करके बच्चों का कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होना भी बहुत जरूरी है। इवोल्यूशन होने से बहुत सारी चीजें जो उनकी ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जो बहुत सारी चीजें जो भूल चुके हैं, वो उन्हें रिमाइंड होती रहती है, उनकी पढ़ाई में थोड़ा ना थोड़ा थोड़ी ना थोड़ी कंसिस्टेंटी बनी रहती है। तो इसकी वजह से हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा अभी आगे किया भी जाए। उसे सोच रहे हैं, प्लानिंग कर भी चुके हैं और 50% काम कर भी चुके हैं उसको लेकर के, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो ऐसे ही सर, अभी फिलहाल व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को और वीडियो कॉलिंग से, जैसे बच्चों से कभी आपने फेस टू फेस, जैसे मैं आपसे अभी कर रही हूँ, तो ऐसे बच्चों से आप जब इंटरेक्ट होते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो बीच बीच में आप मिल रहे हैं, बीच बीच में आप अपने फोन से आप चीजें उनसे शेयर कर रहे हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से कई चीजें शेयर कर रहे हैं, लैपटॉप के माध्यम से कई चीजें शेयर कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट मोड से उसमें जब आप ट्विस्ट लाते रहते हैं, लेकर आते हैं, हर बार कुछ नया करते हैं, तो बच्चों को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट पैदा होता रहता है। मेरे बच्चों को बीच में बहुत क्रेज था कि हम कंप्यूटर सीखें, हमारा गांव का आधा बच्चा कंप्यूटर सीखने जा रहा था सर। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा ठीक है चलो, अलग सिलेबस नहीं है तुम्हारा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कंप्यूटर पढ़ाती हूँ। फिर मैं सर अपने यहाँ से, जानते हैं हमारे रिसोर्सेस की कमी रहती है, तो हमने अपने यहाँ से कंप्यूटर हम ले गए अपने स्कूल में, बच्चों को दिखाया है ना, लैपटॉप लेकर गए जैसे ना, उनको वीडियोज दिखाई, इमेजेस दिखाई, प्रोजेक्टर के माध्यम से काम करें। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम सर चल रहा है फिलहाल। और मुझे लगता है कि काफी स्तर का, अगर स्तर को लेकर के किया जाए और नामांकन को लेकर किया जाए, तो उसमें पहले से अभी के अभी टाइम में बहुत डिफरेंस आ चुका है सर, यही मैं कहना चाहूंगी इसको लेकर के। लेकिन मैम, ऐसा कोई अनुभव है आपका बच्चों के साथ डायरेक्टली या पेरेंट्स का अनुभव कि उस वीडियो कंटेंट या जो डिजिटल कंटेंट आपने दिया, उस कंटेंट से बच्चे का या पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? कि पेरेंट्स का कुछ माइंडसेट को लेके कुछ आपको समझ में आया, या
बच्चे के सीखने में किस तरीके का इम्पेक्ट आपको दिख रहा है, उसका कोई ऑब्जर्वेशन या कुछ है? हाँ सर, जैसे मैंने हिंदी के कई कंटेंट बनाए, जब मैंने शुरुआती दौर में जब मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू किया पढ़ाना, तो हम क्या करते थे, हिंदी की जैसे हम बुक उसकी बात करें तो कुछ कहानियां हम उनको लिख के भेज देते थे, आप इस कहानी को पढ़ लीजिएगा, इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स ये हैं, हमने उन्हें लिख के व्हाट्सअप कर दिया। तो शुरुआती दौर में इस तरह से पढ़ा रहे थे। उसके बाद जब वीडियोस पे काम किया तो आपने देखा होगा बोलती गुफा, है ना, तो जैसे मैंने हिंदी की उस पार्ट से रिलेटेड पहले मैंने वीडियो क्रिएट कर दिया, फिर मैंने अपने बच्चे को पहले उस वीडियो को भेज दिया और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन मैंने उन्हें सेंड किया। तो आप समझ सकते होंगे कि उस मोनोटोनस चीज से जैसे बच्चा उस चीज को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा सर, अगर मैं उससे कहती हूँ कि आप इसको पढ़ो, लेकिन हाँ अगर वो एनिमेटेड वीडियो देख रहा है उस अपने कंटेंट से रिलेटेड, उस लेसन से रिलेटेड, और उसके बाद मैं उसको क्वेश्चंस आंसर्स लिखने के लिए कह रही हूँ या फाइंड आउट करने के लिए कह रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है ना सर। तो इस तरह से मुझे लगता है कि काफी डिफरेंसेस है दोनों में, जैसे हम अगर उस तरह से पढ़ा रहे हैं और इस तरह से पढ़ा रहे हैं, दोनों में काफी अंतर है और बच्चे के लर्निंग में ऑटोमेटिकली कहते हैं इजाफा होगा, वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेगा और ऑटोमेटिकली उसको वो चीज करने में उसके लिए वो अपने आप से वो प्रेरित होगा। तो ये चीज डिफरेंट डिफरेंस है। और हम अगर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स तो हमारा गाँव का, तो सबसे पहले तो ये सोच देख के वो सबसे पहले ये खुश हो जाता है, अच्छा हाँ ये आपकी मैडम का है, अच्छा इसमें आपकी मैडम की आवाज है, तो एक जब है ना, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कहता है कि अच्छा देखो देखो मैडम ने कुछ अच्छा भेजा होगा, इसको देखो सुनो क्या मैडम ने भेजा है। तो ये सब सर फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं और है ना, तो और बच्चों पे कहीं ना कहीं वो चीज सर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये सर ट्रू फैक्ट्स है जो मैं फेस करती हूँ, तो इसलिए मैं उसको उसी वही सिंपल वे में आपको बता रही हूँ जिस तरह मुझे मिलता है कि हमारे बच्चों का रिएक्शन, हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन। तो ये चीज है सर। बिल्कुल मैम, और जब बच्चे के लिए सबसे बड़ा जो होता है कि मेम वाला जो पार्ट है ना, जो अपनापन जो होता है वो बहुत प्रभावित करता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखेंगे लेकिन जब उनको प्राउड फील होता है कि ये देखो ये हमारी मेम ने भेजा, बना के भेजा, तो वो पूरा उसको सीरियसनेस के साथ देखते हैं और उसमें जो बोला गया है वो करते भी है। और दूसरी चीज जो आपने बोली ना कि कैसे भाषा कौशल, भाषा की बात करें और भाषा के जो चार कौशल है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, उसमें कई बार क्या होता है कि सुनने और बोलने वाला पार्ट मिस हो जाता है, लेकिन इस डिजिटल कंटेंट में जो सुनना एंड फिर लिखना, तो इन भाषाई कौशलों का जो अंतर संबंध है वो भी काफी अच्छे तरीके से आपके कामकाज में दिख रहा है। तो काफी डिफरेंट तरीके से सोचा आपने। और सबसे मुझे तो इंटरेस्टिंग चीज यही लगी कि अपनी भाषा में, लोकल भाषा में और बच्चों के साथ इस पेंडेमिक समय में भी एक माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने बच्चों के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जुड़ रहा है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। हिंदी थोड़ा इजी पार्ट हो जाता है बच्चों के लिए, आप इंग्लिश की बात करें और जब इंग्लिश में वो कन्वर्सेशन चल रही है, आप बोल रहे हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसके क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, वो भी सर स्पीकिंग फॉर्म में है वो सब कुछ। बच्चा अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारा बच्चा रीड कर लेगा, तो कई चीजें वो सुन के भी समझ सकता है ना सर। तो उसको इसमें भी इजनेस होती है कि हाँ मैडम हमारे सामने नहीं पढ़ा रही, लेकिन हाँ मैडम ने इस चैप्टर को जिस तरह से पढ़ाया, जिस हिसाब से वो कार्टून चल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो पूरी उनकी स्टोरी प्रिडिक्ट करती है। तो उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उसके बाद में उनको क्वेश्चन आंसर्स भी उसमें बोल के होता है कि उस चैप्टर से ये क्वेश्चंस है, उसको रीड आउट कर रही हूँ, उसका आंसर रीड आउट कर रही हूँ, फिर उसको लिखने के लिए कह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके जो कहते हैं ना मेन पॉइंट होता है उस पर सर पूरा फोकस रहता है। और साइंस को भी अगर लेकर चला जाए, हर मैंने मैथ्स को थोड़ा वीडियोज में क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी और साइंस को, इन सब चैप्टर्स को मैंने काफी अच्छे से कवर किया। आप जलचक्र का देख सकते हैं, एक टॉपिक मैंने बनाया था, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स मैंने बनाए क्रिएट किए बच्चों को बताने। ये डिफिकल्ट टॉपिक से अगर उनके स्तर से देखा जाए, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ सर, उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम बात करें आविष्कारों की सर, है ना, हम तरह तरह के आविष्कार अगर उन्हें ये पढ़ाना चाहें कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, इन्होंने इसका है ना, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आविष्कार किया, तो वो उतना नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं न्यूटन की स्टोरी एक उस पिक्चराइजेशन फॉर्म में दिखाती हूँ, तो इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मैंने सोचे थे, लाइक कर रही हूँ, एक दो आविष्कारों का मैंने बनाया है, ताकि फिर क्या होगा, उन्हें
अच्छा हमने न्यूटन की स्टोरी सुन ली है, तो न्यूटन ने क्या किया था, जो वो सेब गिरा था मैम की स्टोरी में, तो इस तरह से उन्हें रिकॉग्नाइज हो जाता है, पर उन्हें लर्न याद करने की कोशिश नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली लर्न होता है। मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस ये होता है कि बच्चा उसको बैठ के रटने की कोशिश ना करे, उन्हें वो ऑटोमेटिकली लर्न होता है, मेरा ये फोकस रहता है। फिर वो क्या होता है ना, फिर उसमें उनका इंटरेस्ट आता है, फिर वो सीखने की कोशिश करते हैं। और जब हम प्रेशराइज करते हैं कि आप इसको रीड करो, लर्न करो, मतलब कहते हैं ना कि रटो, जब हम रटने वाली टेंडेंसी से उनके साथ काम करते हैं, तो बच्चा भागता है, स्केप मोड पे आ जाता है कि हमें तो याद नहीं हो रहा या हम रट नहीं पा रहे हैं, तो हम उस चीज को डिनाय करता है फिर करने से। तो वैसे टेंडेंसी रखकर सर काम नहीं करते, पूरा कोशिश करते हैं कि बच्चा ऑटोमेटिकली लर्न करे। कि ये जो आइडिया है ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? सर लॉकडाउन में जो लॉकडाउन का जो पीरियड था उसमें सिर्फ एक काम किया सर, सोचने का, थॉट प्रोसेसिंग का काम किया है। बहुत सोचा, बहुत सारे एप्स पे लाइक कोशिश की कि हम इस एप्स को भी चला देखें। आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, आप है ना, आपकी कोई एक चीज में आप परफेक्शन अगर आप क्रिएट कर लेते हैं आपने, तो वो बड़ी बात होती है। तो सर आइडिया की बात करें, जब बच्चों की बात आती है तो कार्टून्स को आप कभी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, कार्टून्स हमेशा उनके साथ लेके चलेंगे। तो सर जैसे बच्चों को मैंने कॉमिक्स भी बच्चों के लिए बनाई है, डिजिटल कॉमिक्स। हाँ, जैसे बीच बीच में डिजिटल कॉमिक्स बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि लड़कियां भी स्कूल आनी चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे सोशल अवेयरनेस को लेकर के मैंने डिजिटल कॉमिक्स भी बच्चों को बना के बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ। जब कोई जैसे वाटर कंजर्वेशन पे जब टाइम आता है, तो उस वक्त हमने वैसा कोई कॉमिक बना के बच्चों को शेयर कर दिया। जब बालिकाओं के बारे में बात आती है, तो हमने जैसे उनको ये मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, कि बच्चों के साथ साथ ही कह लीजिए अगर उसको उनके पेरेंट भी पढ़ते हैं तो वो भी सोशली मोटिवेटेड होते हैं, है ना, कि वो कॉमिक पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने किसी मीना की कहानी दिखा रखी है कि वो बहुत ही छोटी है और बहुत छोटी सी उम्र में उसकी शादी कर दी जा रही है, तो वो जो कि गलत है उसको करते करते एक है ना कॉमिक के रूप में हम पेरेंट्स को भी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशली भी हम उसको इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल में हमेशा से था कि कुछ और लाइक खोजे, कुछ करें। तो इसी के तर्ज पे हमने डिफरेंट डिफरेंट एप्स पे सर एक्सपेरिमेंट्स किए, YouTube से बहुत कुछ कंटेंट सर्च करने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, और भी सर हमारे जो ब्लॉग में जो एक्सपर्टीज है उनसे भी कोशिश की, सर एनिमेशन मुझे सीखना है, सर ये बताइए और क्या कर सकते हैं, सर ऐसा से करते करते कुछ कह लीजिए कि बहुत कुछ करने से आया, ज्यादा से ज्यादा चीज मुझे करने से आई, क्योंकि बताने से ज्यादा मुझे लगता है जब आप उसको करोगे तो आप उसकी कहते हैं ना लिमिटेशंस जान पाओगे, आप कहाँ तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। और उसमें कहते हैं ना बेहतरीन आप काम तभी कर पाओगे जब उसको आप लगातार इस्तेमाल करेंगे, लगातार यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और ये मीना मंच की जो किताबें हैं खास करके, इनकी भी एक पूरी सीरीज चली थी जिनका मेन उद्देश्य तो यही था कि कैसे सोसाइटी में लड़कियों को लेके या जो भी परंपरागत या अंधविश्वास चल रहे हैं उनके ऊपर एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट हो, लेकिन फिर भी वो रीडिंग कंटेंट होने की वजह से, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पढ़ना नहीं आते, उनके फर्स्ट जनरेशन बच्चे जो हैं वो स्कूल में आ रहे हैं, लेकिन वो बात, वो मैसेज जो है वो उन पेरेंट्स तक जाना, तो वो भी एक बहुत बड़ा अवेयरनेस का काम हो रहा है। इसके लिए सर तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, इसके लिए मैंने ये, मुझे मालूम था ये थोड़ा सा है, तो इसके लिए मैंने क्या किया था सर, जब ये मीना दिवस या इस तरह का आप कोई भी सोशल अवेयरनेस का टाइमिंग आता है, ये हर है ना सर एक स्पैन ऑफ टाइम पे आता है, तो जब हम करते हैं इसको तो हम क्या करते हैं ना कि सर सोशल अवेयरनेस के लिए हम उनको फिर से एनिमेटेड मूवीज दिखा देते हैं बड़े पर्दे पे गांव में एक लाइक मीटिंग एसोसिएट लाइक मीटिंग क्रिएट करते हैं, वहां पे लोगों को इकट्ठा करते हैं और इन्हें इस तरह की छोटी छोटी दहेज प्रथा पे है ना, मीना जैसे दहेज प्रथा पे हो गया, कई ऐसी सामाजिक कुरीतियां हैं नशा मुक्ति से लेकर हो गया और जैसे दहेज को लेकर के हो गया, इस तरह के हमने उन्हें हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है जैसे आपने कहा हर कोई पढ़ नहीं सकता है ना, तो उनके लिए ये ऑप्शन रखा है कि हम उनको इस तरह की सोशल मूवीज दिखा देते हैं बीच बीच में जिससे वो मोटिवेट हो। आपने दो सॉफ्टवेयर का भी जिक्र किया, हम थोड़ा सा उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि कोई शिक्षक साथी आपकी तरह और सोच रहा हो लॉकडाउन में कि ऐसा काम किया जाए और उनको अगर थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं और आपने वो कहाँ से सीखे। तो सीखे वाली बात भी मैंने कहा कि जब आप ऐप को, कोई भी ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, आप जितना इस्तेमाल करेंगे और कुछ परसेंट
डिपेंड करता है आपके सेंस एंड क्रिएटिविटी पे, आपको उसको उसको किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको उसको किस तरह से बेहतरीन रूप से दे सकते हैं, है ना। तो सर अगर ऐप्स की बात की जाए तो आप यूट्यूब से काफी कुछ आप निकाल के सर्च कर सकते हैं कैसे कैसे इसमें कौन कौन से उसके फंक्शन है, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। और उसके बाद सर मैंने बता देने के बाद अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आप भी उसमें आप उसको नहीं सीख पाएंगे। कहने का मतलब आप जब तक उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा उसको सीखेंगे और ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाएगी आपको। हाँ कुछ चीजें हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो वो ऐप इस्तेमाल करने के बाद ही आएगा। और अगर ऐसा कुछ मैं बताऊं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस ये हैं कि लिमिटेशंस की अगर बाहर जाए जैसे बैकग्राउंड है, मैं एक चीज बता दूं उसमें, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ बता दीजिए जो लोग भी इस्तेमाल कर सके, तो उसमें उसमें जैसे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, लिमिटेड ऑप्शंस है उसमें, लेकिन हमें जब कंटेंट क्रिएट करना होता है तो हमें अनलिमिटेड बैकग्राउंड्स की जरूरत होती है। तो उसके लिए आप कुछ मत जाइए करिए, आप bg.com से जाइए, आप कोई भी बैकग्राउंड आप अगर डाउनलोड करना चाहें या फिर कोई भी इमेज डाउनलोड करना चाहें तो उसका बीजी फॉर्म जैसे बीजी बैकग्राउंड से आप उसका बैकग्राउंड हटा के कोई भी कार्टून इमेज अपने उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। लोग इसके लिमिटेशंस को जानते नहीं है, बैकग्राउंड को वो लिमिटेड बैकग्राउंड भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद उसके अलावा भी अगर आप डिफरेंट बैकग्राउंड एक्सपोर्ट करना चाहें तो उस ट्विन क्राफ्ट में आसानी से हो जाता है सर। तो ये है। और सर अगर आप बात करें दूसरों को सिखाने की तो हमने जब मैंने ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ और हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो मुझे लगा कि हमारे और भी टीचर्स हैं जिनको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, बतानी चाहिए या उनको जानना चाहिए। तो मैंने अपने जनपद लेवल पे ICT का एक वेबिनार कराया था सर, 10 डेज का ये वेबिनार था। उसमें यही हुआ था कि ICT के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो एक्सेल को लेकर के हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग को लेकर के हो, चाहे ये एनिमेशंस को लेकर के हो सर, तो साइबर क्राइम को लेकर के, इन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने एक एक दिन का वेबिनार रखा था और कोशिश की थी कि हमारे टीचर्स उस चीज को सीखें और अपने बच्चों तक उस चीज को पहुंचाएं। तो मैम आप जो ये वीडियो कंटेंट बना रहे हैं इसका कोई यूट्यूब चैनल बना रखा आपने तो आप वो भी साझा कर दीजिए हमारे शिक्षक साथियों के साथ ताकि सब इस चीज का लाभ ले सके। हाँ सर बिल्कुल है, यूट्यूब चैनल है मेरा सीमा औरिया के नाम से ही है, आप उसको सर्च करेंगे तो वो खुल जाएगा सर आसानी से। सीमा जी आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सच में आपका काम बहुत ही सराहनीय है और वो भी प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए, और पूरे लॉकडाउन में आपने जिस तरीके से उन बच्चों के साथ अपना जुड़ाव रखा है वो वाकई में ही काबिलियत तारीफ है। और अभी हम इसी कड़ी में आपसे सुनना चाहेंगे कि और वो कौन शिक्षक साथी हैं जो डिजिटल टीचर की कहानी के इस कड़ी में आगे जुड़ रहे होंगे, तो आप किसको नॉमिनेट करेंगे? हमारे जान पहचान के एक सर हैं, लोकेश सिंह सर हैं, हुजूरपुर ब्लॉक से हैं और मुझे लगता है कि उनका नाम आना चाहिए। थैंक यू सीमा जी, आप सच्ची में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे ही नए नए इनोवेशन करते रहे। मैं वंस अगेन थैंक्स बोलूंगी कि क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा कर रहे होंगे और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वो खुल के सामने आए और अपनी चीजों को रखें ताकि हम जैसे टीचर्स भी बहुत कुछ सीख पाए। अभी सर कहते हैं ना सर सीखना सतत लगा रहेगा, तो मुझे लगता है अभी बहुत सारा ऐसा इनोवेशन है जो हमारे टीचर्स कर रहे हैं और हम तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो मैं आप जैसे लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म हमारे टीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे टीचर्स खुल के आगे आ रहे हैं और हम तक वो चीजें पहुंच रही है। तो आज के इस एपिसोड में हमने सीमा जी मौर्या से जाना कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के कंटेंट को डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है और बच्चे के सीखने में मददगार हो सकता है। हम आशा करते हैं कि सीमा जी की कहानी आपके लिए इंस्पायरिंग रही होगी। अभी चर्चा को विराम देते हैं इसी सवाल के साथ, क्या आप भी शिक्षण प्रक्रियाओं में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो अभी टेक्नोशाला फाउंडेशन से संपर्क करें और बने डिजिटल टीचर की कहानी का हिस्सा। इसी तरह की और भी इंस्पायरिंग कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना ना भूलें। नमस्ते, मिलते हैं अगले शनिवार दोपहर 2 बजे।